हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में, जहाँ पे मैं एक फुल कंपेरिजन देने वाला हूँ दो फ़ोन के, जिसमें जो कि एक रेडमी नोट 8 और एक रियलमी 5S, इन दोनों के भी मैं आपको एक फुल कंपेरिजन देने वाला हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 10,000 की प्राइस में आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी से। तो रियलमी 5S में हमें देखने को मिलती है एक पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक की बॉडी, और रेडमी नोट 8 में हमें देखने को मिलती है एक ग्लास बॉडी। ग्लास बॉडी का हमें ये एक डिसएडवांटेज ये है कि नोट 8 में हमें थोड़ी सी हीटिंग इशू देखने को मिलती है। जब आप उसे आउटडोर में यूज़ करेंगे या आप उसे कुछ थोड़ी देर में सनलाइट में आप यूज़ करेंगे, तो रेडमी नोट 8 थोड़ा सा जल्दी हीट हो जाता है, और ये प्रॉब्लम हमें रियलमी 5S में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिए कि एक ग्लास बॉडी आपको जल्दी से हीट हो जाएगी, और एक ग्लास बॉडी आपको गिरने पर उसका टूटने का खतरा भी हो सकता है दोस्तों। तो आप उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके स्क्रीन की तरफ। जैसे दोस्तों सबको मालूम है कि रेडमी नोट 8 में आपको 6.3 इंच की एक फुल एच डी प्लस की आपको डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन फुल एच डी है। और रियलमी 5S में हमें देखने को मिलती है कि 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले पर वो आपको एक एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप उसे जब फुल एच डी को आप सनलाइट में आउटडोर में आप यूज़ करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। अगर आप एच डी डिस्प्ले को आप बाहर यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके हार्डवेयर की तरफ, जो कि बिल्कुल सिमिलर सा है। दोनों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, जो कि लगभग सेम ही दोस्तों, बोलने की बात तो नहीं है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस में हम दोनों में सेम देखने को मिलता है दोस्तों। अब परफॉर्मेंस में हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करती है उनको, ये उनके ऊपर आपको डिपेंड करता है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो दोनों आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, अब ये दोनों ही फ़ोन आपको इसमें जो UI रेडमी नोट 8 में हमें देखने को मिलता है, UI MIUI रियलमी 5S में देखने को, रियलमी 5S में हमें देखने को मिलता है ColorOS 6, जो कि अब थोड़ा अच्छा अपग्रेड हुआ है दोस्तों। काफ़ी सारे अपडेट इसमें सिक्योरिटी पैच टाइम टू टाइम मिलते हैं दोस्तों, तो उतना आपको ये नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा UI ज़्यादा पसंद है। तो बात करते हैं दोस्तों इनका मेन पार्ट, जो कि आपको कैमरे का है। तो दोस्तों, दोनों में ही हमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। दोनों में ही हमें 48 मेगापिक्सल के आपको सेंसर देखने को मिलते हैं, और दोनों में आपको सेम जो सेंसर है, जो एक अल्ट्रा वाइड है, एक माइक्रो है, और एक पोर्ट्रेट के लिए। दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट के लिए दोनों में देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें दोस्तों माइक्रो शॉट की, तो 2 मेगापिक्सल का है दोस्तों, उसमें ज़्यादा आपको डिटेल्स तो होते बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप दोनों में आपको अगर से पोर्ट्रेट शॉट लेना ज़्यादा पसंद है, तो आप दोनों ही फ़ोन से आप पोर्ट्रेट शॉट बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। कोई भी आपको एज डिटेशन का इशू देखने को, दोनों में ही आप दोस्तों बहुत अच्छे पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो। दोनों में ही कोई भी आपको एज डिटेशन का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। हालांकि दोनों फ़ोन में आपको थोड़ा सा स्किन टोन का फ़र्क देखने को मिलेगा। नोट 8 थोड़े से आपको नेचुरल कलर देगा है, और रियलमी 5S थोड़े से आपको थोड़ा सा गोरा कर देगा दोस्तों, आपको पंच कलर देगा। और जहाँ तक बात करें दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की, तो दोनों ही में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि लगभग सेम ही है। सेंसर है आपको सेम ही देखने को मिलेगा। डिटेल उतनी खा रेडमी नोट 8 में हमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दोनों ही कैमरा तो सेम है, लेकिन दोस्तों कैमरे का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा कैमरे का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हमें रेडमी नोट 8 में देखने को मिलेगा। अगर आप डिटेल की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें बेटर डिटेल रेडमी नोट 8 में देखने को मिलेंगे। तो कैमरे के मामले में दोस्तों, जो 48 MP का मेगा पिक्सल का जो मेन कैमरा है इनका, वो दोनों में ही 48 MP का दो कैमरा है दोस्तों, वो दोनों में ही आपको सैमसंग का कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सोनी वाला सेंसर नहीं है, ये वही सेम कैमरा है जो दोस्तों हमें Note 7S में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सोनी का सेंसर होगा, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इसमें सैमसंग का ही GM1 सेंसर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप इसे उतने बढ़िया तो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आप जब भी 48 MP में क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको थोड़ी सी बेहतर डिटेल देखने को मिलेंगी। तो लगभग दोस्तों कोई तो ज़्यादा उसको यूज़ तो नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ ये एक नंबर गेम है दोस्तों, आपको थोड़ा सा आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों ये कुछ इम्प्रूवमेंट की गई है दोस्तों। तो दोनों ही फ़ोन में Note 7S या Note 8 में आपको थोड़े से कैमरा का सेटअप दे दिया गया है दोस्तों, 4 कैमरे। लेकिन दोस्तों आपको कभी भी उस कैमरे को आप यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, आप नॉर्मल मोड में ही ज़्यादा फोटोज आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इसको डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। आप जहाँ तक बात करें दोस्तों बैटरी में, तो यहाँ थोड़ा सा गेम चेंज होता है, क्योंकि रियलमी 5S में हमें देखने को मिलती है
5000 mAh की बैटरी, और नोटेड में हमें देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों रियलमी 5S में हमें थोड़ा 5000 बैटरी देखने को मिलती है और इसमें 4000 मिलती है। अगर आप बहुत हेवी यूज़र है, आपको पबजी या बहुत ज़्यादा आपको चार्जिंग नहीं लगाना टाइम नहीं मिलता दोस्तों, आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आपके लिए रियलमी 5S एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें 4000 mAh देने के बावजूद रेडमी नोट 8 में हमें टाइप सी देखने को मिलता है, और 18 वाट का फास्ट चार्जर हमें बॉक्स में ही इंक्लूड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और रियलमी 5S में हमें अभी तक माइक्रो यूएसबी देखने को मिलता है, और कोई भी फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिए कि रेडमी नोट 8 में आपको टाइप सी मिलता है और फास्ट चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। हालांकि दोस्तों रियलमी 5S में हमें बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी दोस्तों उसको चार्जिंग के लिए उतना ही टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। लगभग आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों उसको फुल चार्ज करने में लिए, और रेडमी नोट 8 चार्जर बैटरी होने के बावजूद, उसमें फास्ट चार्जिंग और टाइप सी होने के बावजूद, वो थोड़ी सी आपको जल्दी बैटरी चार्ज करके दे देगा। तो ये एक फ़ायदा है दोस्तों टाइप सी और फास्ट चार्जर होने का। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ मेरी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।